बड़ी खबर से करेंगे, जहां विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम के 2.5 साल को लेकर लग रही अटकलों पर उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि ये मामला सीएम और बाबा के बीच का है। राहुल जी इस बात की जानकारी रखते हैं, इसकी जानकारी दिल्ली से मिल सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पहले 4 लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे और अब फाइनल में जो जीतेगा वो जीतेगा। ये बड़ा बयान दिया गया है। ढाई ढाल का मामला है ये, माननीय मुख्यमंत्री जी और बाबा साहब यानी डीएस सिंह देव के बीच का है और उसमें राहुल जी इस बात की जानकारी रखते हैं। तो इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो दिल्ली से मिल सकती है, कयासों से इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। हम 4 लोग उस समय सेमीफाइनल खेल रहे थे, 2 तो अभी हैं, तीसरा साहू जी और चौथा मैं। तो सेमीफाइनल में 4 लोग तो खेलेंगे ही ना, उसके बाद फाइनल में जो जीतेगा वो जीतेगा। तो ये बड़ा बयान दिया गया है चरणदास महंत की तरफ से। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, ये जो नया बड़ा बयान दिया गया है चरणदास महंत की तरफ से, 2.5 साल की सियासत पहले ही छत्तीसगढ़ में चल रही है, क्या उस सियासत पे एक नया एंगल देने की कोशिश इस बयान के जरिए की गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ नीति में जो एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो यही है कि क्या कोई फार्मूले के तहत छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन हुआ है। इस सवाल का जवाब सरकार गठन के पहले दिन से लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं और हर समय नेताओं के बयानों के जरिए इसकी तस्दीक करने की कोशिश की जाती है। बार बार ये सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी पूछा गया है, बार बार इस सवालों का जवाब जो है टीएस सिंहदेव भी देते रहे हैं। अब विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने जो बातें कही हैं वो इस ओर जरूर इशारा करती हैं कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे उनकी संख्या 4 थी और वो एक तरीके से सेमीफाइनल था और उस सेमीफाइनल के मैच के बाद 2 लोग ही जो है वो आमने सामने हैं। तो अब तक जो बातें दबी जुबानों में लोगों के द्वारा कही जाती रही हैं और जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को तलाशते रहे हैं कि इसका कोई राजनीतिक महत्व है या इसका कोई राजनीतिक असर आने वाले समय की राजनीति में देखने को मिलेगा, वो विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान के बाद गरमाने के आसार उसके बन रहे हैं, क्योंकि अब तक ऐसा खुल के किसी ने नहीं कहा था कि कोई ऐसा बंटवारा हुआ है या कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें 2 लोगों के बीच सहमति बनी है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने हालांकि इशारों में कहा है, लेकिन उनके इशारों से एक बात साफ है कि सेमीफाइनल का मैच 4 लोगों के बीच हुआ था जिसमें 2 लोग बाहर हो गए और ये 2 लोग थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत। तो एक विधानसभा अध्यक्ष बन गया और एक गृह मंत्री बन गया। अब जो 2 लोगों के बीच मुकाबले की बात बार बार कही जा रही है और चरणदास महंत के बयान से उसके आशय निकाले जा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर नई राजनीति छत्तीसगढ़ में फिर से गर्मा सकती है और अब तक जो बातें शांत थी या दबी जुबानों में लोगों के द्वारा कही जाती थी उससे चरणदास महंत के इस बयान के बाद नए मायने तलाशे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बयान के बाद एक बार फिर से हमें छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ सप्ताह राजनीति गर्माई हुई नजर आएगी। बिल्कुल मोहन, 2.5 साल की को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्माई हुई है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने में लगा रहता है, कई बार तंज भी कसा गया। अभी जो बड़ा बयान चरणदास महंत की तरफ से दिया गया है, निश्चित तौर पर बीजेपी इसे जरूर कैच करेगी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी को तो इसी तरीके के बयानों की एक पुष्टि चाहिए होती थी, क्योंकि ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब केवल आला कमान दे सकता है। लेकिन नेताओं के जो बयान इशारों में गाहे बगाहे सामने आए हैं उसके आधार पर बीजेपी चाहती थी कि इस तरीके की बातें लोगों तक आए और वो इसे एक मुद्दा बनाएं। तो वो बयान अब तक ऐसे कोई बड़े तौर पर सामने नहीं आए थे, लोग दबी जुबान पे जरूर इसको बात करते थे, लेकिन अब जब ये बयान आया है तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसमें अपने हित के मुद्दे तलाशने की कोशिश करेगी या अपनी ओर से इसमें हवा देने की जरूर वो कोशिश करेगी, जिससे इस सियासत की गर्म आंच जो है वो कांग्रेस के नेताओं तक जाए और कांग्रेस के नेताओं में, क्योंकि जो गुटबाजी एक स्वाभाविक गुण होता है, वो जो है सतह पर आए। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सतह पर लाने की बीजेपी इस बयान के जरिए जरूर कोशिश करेगी।
हालांकि इन सबसे कांग्रेस को बचने की जरूरत कई बार कही गई है। पीएल पुनिया प्रभारी ये इस तरीके के बयान देते रहे हैं, लेकिन अब ये जो बयान आया है निश्चित तौर पर इसे बीजेपी लपकने में देर नहीं करेगी और उनके लपकने के बाद ये मुद्दा जरूर गर्मा सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं को इस तरह के बयान से बचने की हिदायत दी गई है, लेकिन जब दिग्गज नेता ही ये बयान देंगे तो निश्चित ही बीजेपी इसे जरूर कैच करेगी। फिलहाल आपका शुक्रिया मोहन जानकारी के लिए। ढाई ढाल का मामला है ये, माननीय मुख्यमंत्री जी और बाबा साहब यानी डीएस सिंहदेव के बीच का है और उसमें राहुल जी इस बात की जानकारी रखते हैं, तो इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो दिल्ली से ही मिल सकती है, कयासों से इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। हम चार लोग उस समय सेमीफाइनल खेल रहे थे, दो तो अभी हैं, तीसरा साहू जी और चौथा मैं, तो सेमीफाइनल में चार लोग तो खेलेंगे ही ना, उसके बाद फाइनल में जो जीतेगा वो जीतेगा।